नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज देखा आपने कि किस तरह अहिल्या ने दिया अपनी सूझबूझ का प्रमाण, कितनी समझदार है, कितनी इंटेलिजेंट है, ये उसने प्रूव कर दिया, जबकि वो जानबूझ के गलतियां तो कर ही रही है। तो बात करते हैं अहिल्या की सूझबूझ की, समझदारी की, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो जब से हरकू बाई साहिब ने उनको एक पाठ पढ़ाया है कि पति के दिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है, यानी कि खास करके खंडेराव जैसे पति के दिल पे, क्योंकि खंडेराव का दिल दुखी है क्योंकि अहिल्या उनसे ज्यादा समझदार साबित हो रही है, उनसे ज्यादा सूझवान साबित हो रही है और हर पल उनके दिमाग में यही चलता रहता है। खंडेराव की बात कर रही हूं कि अहिल्या मेरे से ज्यादा बेटर है और मेरे जो बाबा साहिब हैं वो इसी की तारीफ करते हैं और इसी की बातें करते हैं। ये सब बातें खंडेराव के दिल में दिमाग में बैठी हुई हैं। अब इन बातों का तोड़ ही बताया है हरकू बाई साहिब ने अहिल्या को। जी हाँ दोस्तों, उसी चक्कर में अहिल्या ने गलतियां करनी शुरू कर दी हैं जानबूझ के खंडेराव के सामने, ताकि वो उनकी गलती को सुधारे और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि मैं अहिल्या से बेटर हूं, अहिल्या से ज्यादा समझदार हूं, जो उनकी ईगो को सेटिस्फाई करे और फिर धीरे धीरे दोस्ती बने और फिर दोस्ती के बाद जो भी चीजें हैं वो अच्छी हों। तो ये सब कुछ चल रहा है। इसी चक्कर में जैसे मैंने आपसे वीडियो भी शेयर किया था कि कैसे संस्कृत का जो सरस्वती वंदना है अहिल्या पढ़ रही है और उसमें गलतियां कर रही है और उनको सुधारता है, खंडेराव उसको बताता है कि ये गलतियां हैं और इसको ऐसे बोला जाता है, फिर उसको बर्थडे विश भी करता है और चला जाता है वहां से। यहीं पे हरकू भाई साहब आती है और वो आके अहिल्या से पूछती है कि क्या तुम्हें वाकई में नहीं याद है कि क्या है सरस्वती वंदना। तो अहिल्या उनको गा के सुनाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको याद है सरस्वती वंदना। तो ये देख के दो चीजें मेरे दिमाग में आई दोस्तों, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल सीरियल है, इसमें अगर हम एक लिबर्टी ले रहे हैं टेलीविजन के हिसाब से, ड्रामा के हिसाब से, तो उसमें हम जो करेक्टर है अहिल्या का उसको हम ऐसा नहीं दिखा सकते कि उसको सरस्वती वंदना याद नहीं है या शिक्षा में थोड़ी वो कमजोर है। तो उसी चीज को दर्शकों के, आपके सामने, मेरे सामने, सबके सामने लाने के लिए उन्होंने हरकू भाई साहब को सामने लाया, उन्होंने पूछा कि क्या तुमको याद नहीं है। तो अहिल्या ने पूरी करके दिखाई, पूरा उनको सुनाया कि कैसे है सरस्वती वंदना। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अहिल्या को बहुत जल्दी याद हो गया, उनकी जो तीक्ष्ण बुद्धि है, जो इंटेलिजेंट है वो, जिसको लेके मल्हार राव होलकर ने उनको चूज किया था कि ये बच्ची 9 साल की उम्र में इतनी ज्यादा तेज है, इतनी समझदार है, इनके दिमाग इतना ज्यादा है, तो इस बच्ची को तो जरूर मेरे बेटे की ही बहू बनना चाहिए, तो ये सोच के वो लेके आए थे। उसी का प्रमाण उन्होंने सरस्वती वंदना सुना के दिया, जिसके बारे में खंडेराव ये कह रहे थे कि इसको याद करने के लिए बहुत सारा अभ्यास करना पड़ता है, मगर अहिल्या ने एक दो बार बाद ही उन्होंने ये सरस्वती वंदना याद कर ली, बल्कि खंडेराव से भी बेटर करके सुनाई। तो ये है हमारी अहिल्या देवी। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सरस्वती वंदना अहिल्या देवी के मुंह से सुन के, कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि क्या ये सफर जो अहिल्या ने शुरू किया है अपने पति के दिल जीतने का, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।